के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। एसटीएफ की टीम ने किया रानी श्रीवास्तव हत्याकांड का खुलासा। रानी के प्रेमी आर्यन हॉस्पिटल के चर्चित डॉक्टर डीपी सिंह को उनके दो सहयोगियों के साथ किया गिरफ्तार। यूपी एसटीएफ के आईजी अमिताभ यश ने हाई प्रोफाइल लव सेक्स धोखा और हत्या के अंतर्राष्ट्रीय मामले का किया खुलासा। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक कार्यालय के समीप से रेलवे कर्मी से लूट का पुलिस ने किया खुलासा। दो अभियुक्तों के साथ 48,700 रुपए किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। ऑल इंडिया बैंक अधिकारी कॉन्फेडरेशन के आह्वान पर बैंक अधिकारियों ने किया एक दिवसीय हड़ताल। मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। भाजपा नेता से रंगदारी मांगने वाले दो अभियुक्त चढ़े पुलिस के हत्थे। एसपी साउथ ने किया खुलासा। पुलिस मुठभेड़ में 10,000 के नामी बदमाश को लगी गोली, हुआ गिरफ्तार। मुठभेड़ में स्वाट टीम का सिपाही भी हुआ घायल। दोनों का मेडिकल कॉलेज में चल रहा है इलाज। एसपी सिटी ने बताया परवेज गैंग का कुख्यात अपराधी है मोइनुद्दीन अंसारी। नगर निगम परिसर से जनरेटर की बैटरी हुई चोरी। चोरों की धरपकड़ में लगे नगर निगम चौकी इंचार्ज। बिना पार्किंग के खड़ी की गई वाहनों पर चला यातायात विभाग का चाबुक। एक दर्जन से अधिक वाहनों का हुआ चालान। गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के समाजशास्त्र विभाग एवं यूजीसी एचआरडीसी के सहयोग से संचालित हो रहे 17वें पुनश्चर्या कार्यक्रम का हुआ समापन। वक्ताओं ने रखे अपने अपने विचार। ललित कला महोत्सव में दूसरे दिन सामाजिक कुरीतियों पर प्रतिभागी छात्र छात्राओं ने प्रस्तुत किए एकांकी नाट्य मंच। मंत्रमुग्ध हुए दर्शक। विभिन्न मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने बैठक कर निकाली रैली। मांगे पूरी न होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। स्वर्गीय अखिलेश्वर सहाय की दूसरे पुण्यतिथि के अवसर पर भंडारे का हुआ आयोजन। अखिल बाबू को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। और उज्जवल ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट में केएस टैलेंट ने रॉयल उद्यान क्रिकेट एकेडमी को 89 रनों से हराया।